अगर आप गेट या फिर किसी और गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो gateflix.in प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है आपके लिए 1 मई को। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर करते हैं तो पहले 1000 यूजर्स को मिल जाएगा 49 रुपीज में उनके ब्रांच का कोई एक सब्जेक्ट एक साल के लिए, और 249 रुपीज में उसके ब्रांच का हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा उसको एक साल के लिए। तो gateflix.in ये लॉन्च होने वाला है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो रजिस्टर कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दे रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। अपडेट आ रही है MRPL की तरफ से, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की तरफ से, इसे आप ONGC का एक पार्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, BE BTEC डिप्लोमा वालों के लिए फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री या ONGC का बेसिकली एक पार्ट है यह अप्रेंटिस ट्रेनिंग है भाई लोग। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, यहाँ जाके कोई अनुभव लेना चाहते हैं तो अच्छा मौका है आपके लिए। डिटेल में हम इसी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या है खास क्या खास नहीं है। यहाँ पर रिटर्न टेस्ट भी होने का है तो मैं आपको हर चीज बताता हूँ, आप आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। भाई लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बता दो अप्रेंटिसशिप निकली हुई है MRPL में। इसके अलावा मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है दबा दो भाई। भाई लोग जैसा मैंने बताया अपडेट आई है MRPL की तरफ से, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की तरफ से। एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 अप्रेंटिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी कि BE BTEC डिप्लोमा वालों के लिए। फॉर्म भरने की यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है, यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग होगी, जॉब नहीं है। यहाँ अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, बेसिकली एक ONGC का पार्ट, एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, अगर आप यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं तो बढ़िया एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा। कुछ PSU आपके अप्रेंटिस को एक साल का एक्सपीरियंस भी मानेंगी और कुछ PSU आपके अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस नहीं मानेंगी। अलग अलग PSU के अलग अलग क्राइटेरिया है। अप्रेंटिसशिप अपने आप में बहुत बड़ा है, इसके ऊपर मैंने पहले कई वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ। कौन कौन सी ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, उस बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए BE BTEC केमिकल के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट है भैया, केमिकल के लिए तो यहाँ पे होगी 29 पोस्ट है। सिविल के लिए 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 10 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 9 है और मैकेनिकल के लिए 24 है। तो कुल मिलाकर 87 पोस्ट हैं, 87 सीट बोल सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। आप डिप्लोमा यानी कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें तो टेक्नीशियन में केमिकल में 27 है, सिविल में 7 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 12 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 6 है, मैकेनिकल में 26 है, इसके अलावा कमर्शियल प्रैक्टिस में 15 है। तो कुल मिलाकर डिप्लोमा वालों के लिए 108 सीट या फिर 108 पोस्ट हैं आप बोल सकते हैं। भाई लोग अगर आप 55% के साथ पास आउट हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, 2016-17-18 में पास आउट हो चुके हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस को यहाँ पे 10,000 पर मंथ मिलने वाला है, इसके अलावा डिप्लोमा अप्रेंटिस को यहाँ पे 7,100 पर मंथ मिलने वाला है। इसके अलावा रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए यानी कि SC ST OBC के लिए कितनी सीट है, कितनी पोस्ट है, वह भी हमें टेबल के थ्रू एक दिखा दिया गया है। जैसा मैंने बताया 2016-17-18 पास आउट ही एलिजिबल है, इसके अलावा अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली फॉर्म भरने की आखिरी डेट यानी कि 17-5 तक आप एलिजिबल होने चाहिए, आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर आपने पहले अप्रेंटिसशिप की हुई है या फिर एक्सपीरियंस लिया हुआ है जॉब का तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 55% मार्क्स के साथ आप पास आउट होने चाहिए। सिलेक्शन, अब सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बारे में बात करें तो इसमें पहले रिटर्न होगा और रिटर्न के बाद क्या होने वाला है वह अभी हमें बताया नहीं गया, बेसिकली वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। तो रिटर्न किस प्रकार का होने वाला है, रिटर्न यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, इसमें आपको टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन एक नंबर 1 मार्क्स का रहेगा। ये आपके ब्रांच सब्जेक्ट या फिर डिसिप्लिन जो भी आप बोले आपके ब्रांच से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे पूरे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा ये जो एग्जाम है ये ऑफलाइन होने वाला है, OMR शीट मिलेगी, जो पेन और पेंसिल वगैरह से अपने को बबल भरना दिया था उसी टाइप से एक ऑफलाइन यहाँ पे एग्जाम होने का है। रिटर्न के बाद कौन सा प्रोसीजर होगा, किस तरह होगा, वो हमें अभी बताया नहीं गया है कि डायरेक्ट अप्रेंटिस के लिए सिलेक्शन होगा कि कुछ और होने वाला है स्क्रीनिंग का प्रोसीजर। इसके अलावा एग्जाम के सेंटर हमें अभी बताए नहीं गए हैं, मैंगलोर तो हो ही सकता है एग्जाम का सेंटर, इसके अलावा और भी जगह एग्जाम के सेंटर आपको मिल सकते हैं वो हमें बताया नहीं गया है, बेसिकली एडमिट कार्ड में हमें पता चले जो कि एग्जाम होने के 15 दिन पहले हमें बताया जाएगा।
भाई लोग फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 18/4/2019 से और चलने वाला है 17/5/2019 तक। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी और किस तरह अप्लाई करना है, अप्लाई ऑनलाइन की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ। फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो चेक कर लीजिएगा। तो भाई लोग यही थी कुछ बातें जो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान, जय किसान।